दोस्त, अभी हम लोग कॉलेज आए हुए हैं और जा रहे हैं ग्रेजुएशन का मार्कशीट लेंगे और सर से बात करेंगे कि पीजी में कैसे एडमिशन कराना है। तो सारा चीज़ अभी सर से बात करते हैं और आपको भी दिखाते हैं दोस्त। चलिए चलते हैं और आपको भी बताते हैं, दिखाते हैं दोस्त। कहीं नहीं देखा ही है। सर सर नाटक यहाँ पुराना। अच्छा रहा, एगो हो, हाँ हो, दो गो आते दिया। खाली का सोलह साल। अच्छा रहा, गंदा है। हाँ लेकर दे, खाली लड़का घुसना। खाली लड़का घुस। इससे क्या पता लगता है इनका प्रेशर कोरोना है कि नहीं पता चल जाता है इसमें। अरे एग्जाम चल रहा नहीं सकते सेमेस्टर फोर का। चलो मोबाइल रखने नहीं मिला मेरे गाँव में। पीजी के एडमिशन अभी ऐसे कॉलेज के पास हो गए। क्या चीज चले सकते नहीं यूनिवर्सिटी ऐसा छोटा लगता है। ये छोटा है तो बता, 50 एकड़ में अभी 5 एकड़ में तो कितना अंतर है पता है। पूरा नंबर लगाए पड़ेगा ना, पूरा नंबर लगे पड़े तो क्या चीज में एडमिशन होना थे कुछ। हाँ लगेगा। नाम सर, नाम सर, मार्कशीट लेना है सर। हाँ इकोनॉमिक्स धर लिए ने हम लोग का सर। हेमराज कुमार 57 जी। जी 57। अब मेरा 167 है। हाँ मेरे पास
लो सतीश करो। हाँ सतीश कुमार यही मिल रहा था भाई, यही मिल रहा है सब हम लोग भी तो यही कुछ भी कौन सा इकोनॉमिक्स उर्दू का मिल रहा है 67 कितना में जी अंकल थोड़ा हाथ ठीक है 67 देखते हैं 37 क्या चे भूल जाते हैं सर सिमरिया खास सिमरिया सब आनु इसका चतरा पड़ता है चतरा सतीश चतरा में किधर चतरा में अंकल यहाँ है कन्हा चट्टी कन्हा चट्टी राजपूत जानते हैं अलावा लाइन जानते हैं सेमेस्टर फाइव ला लिए थे हम लोग हाँ हाँ लिए थे तुम खाते में लिए थे सर तो चलिएगा हम मेरा घर तरफ घूमने के लिए अभी हम साइंस है कब चलिएगा अच्छा आप आपका किधर है आप उधर ही हैं अच्छा उधर कहाँ सर अरे आप पहुँच जाएंगे जानते हैं अंकल ठीक लावा अच्छा ठीक हाँ अब काम हो गया उसका टेंशन इधर है चलो सर से बात करते हैं अभी हाँ वकील अच्छा अभी हाँ उनके सर के सामने वाले है ना आगे बैठते रहियो ना उस दिन तो थोड़ा और अच्छा होता ना जबर फोटो यहाँ मेरा फोटो मैकम सर पीजी में एडमिशन कराना है सर जी हाँ उसमें तो फॉर्म फिलअप में दे दिया था कि एक तारीख से एडमिशन चालू स्टार्ट रहेगा 13 तक फीस जमा कर दिए नहीं सर थोड़ा भूल गए सर बीए में कराए थे तो फीस जो है ना जी जी सर ऑनलाइन फीस जमा करना उसके बाद आप सबसे पहले डॉक्यूमेंट कहाँ जमा करेंगे सर वो छपटर पोर्टल से फीस जो है ना फीस जमा करके प्रिंट करके जी और छपटर पोर्टल का फॉर्म जी सर उसके नीचे 200 रुपया जो अप्लाई किए थे उसका फॉर्म जी उसके नीचे जो 1500-1800 जो लगेगा अभी हाँ जी उसका CLC करेक्टर लगेगा जी एडमिट कार्ड मार्कशीट 6 सेमेस्टर का जी एक मिनट अभी तो आए थे तुरंत हेड सर आए थे और जाति प्रमाण पत्र है तो जाति प्रमाण पत्र आवासीय आय आधार कार्ड सर वो सब मेरा कॉलेज में ही पहले से ही ये जमा है तो इसी कॉलेज का स्टूडेंट सर अच्छा जी सर जी सर जी लगना नहीं चाहिए काउंटर से केवल लिखा देना चाहिए कि इन्होंने किसी और करेक्टर नहीं लिया जी ठीक है सर दोस्तों एडमिशन कराने के लिए सबसे पहले आपको चार्सनर पोर्टल पे फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्म अप्लाई करने के बाद मेरिट लिस्ट में नाम आएगा मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद कॉलेज एडमिशन फ़ी पेमेंट करने पड़ेगा कॉलेज एडमिशन फ़ी पेमेंट करने के बाद सारा डॉक्यूमेंट्स को कॉलेज में जमा करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा तो एडमिट कार्ड मार्कशीट CLC जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र है तो चलेगा नहीं भी है तो भी चलेगा आधार कार्ड कॉलेज एडमिशन फ़ी और EWS सर्टिफिकेट अगर आपके पास अगर आप EWS सर्टिफिकेट के थ्रू अप्लाई किए थे तो EWS सर्टिफिकेट भी लगे और कॉलेज
उसके बाद कॉलेज में एडमिशन हो जाने के बाद एक फोटो लगेगा आई कार्ड में चिपकाने के लिए। और अगर आपको कॉलेज में एडमिशन फी पेमेंट कैसे करना है ये अगर आपको पता नहीं होगा दोस्त, तो अभी हम जाएंगे रूम तो एक वीडियो बना देंगे, आप वीडियो देख लीजिएगा, समझ जाइएगा दोस्त। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे वैसे आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा दोस्त। और अगर आपको ये पता नहीं है कि कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म में अप्लाई कैसे करना है सबसे शुरू वाला में, तो इसके लिए हम वीडियो बना दिए हैं दोस्त। तो इंड स्क्रीन में यहाँ पे जो वीडियो दिख रहा है उसको देख लीजिएगा दोस्त, इसका उसके बाद आप समझ जाइएगा दोस्त। तो ठीक है दोस्त, उसके बाद आपको अगर और भी कोई मन में कन्फ्यूजन बचता है तो कमेंट में पूछिएगा दोस्त। ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।